ये जो जीवन जी रहे हैं ये बहाई दर्शन पर आधारित है कि हमारा वर्क इज वर्शिप एंड सर्विस इज प्रेयर, सेवा प्रार्थना है और काम पूजा है। गांव के लोगों ने तय किया कि अब हम आज से डिस्पोजेबल नहीं लाएंगे, तो पुराना दोना पत्थर ले आए और भंडारा करते हैं, शादी करते हैं। अभी गांव में 5,000 लोगों का ये होता है खाना और ये नहीं करते, प्लास्टिक और डिस्पोजेबल नहीं ला रहे और स्वच्छता पे विशेष ध्यान दे रहे। लोग जगह तो हैं पर अभी चौकीदार वाला काम हम लोगों का है, आपका भी काम है, मीडिया का भी काम है कि जगह है तो जगते रहे, फिर सोए नहीं। और मैं युवाओं को यही कहती हूँ कि भारत देश आप हैं, हम हैं, कोई और आके भारत देश नहीं चलाएगा, और जितने अच्छे युवा होंगे उतना अच्छा भारत देश होगा। नमस्कार, द टैलेंटेड इंडिया टॉक शो में आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सेवा की परिभाषा बदल दी। जी हाँ, जो हमने समाज से लिया है, जो हमने प्रकृति से लिया है, उसे फिर से प्रकृति और समाज को लौटाना, और कहीं ना कहीं आज के आधुनिक दौर में जहां पर प्रकृति का शरण हो रहा है, प्राकृतिक चीजों को हम दूर करते जा रहे हैं, ऐसे में प्राकृतिक चीजों को अपनाना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी शक्ति को अपनाकर लोगों को प्राकृतिक नियमों का फिर से ज्ञान कराना, आभास कराना, इसका वे अनुसरण कर रही हैं। और इंदौर में, इंदौर के स्नावदिया गांव में डॉक्टर जिमी मगलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से प्रकृति से निर्मित उत्पादों को और साथ ही साथ प्राकृतिक मूल्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जनक पलटा मैम, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं और इंदौर शहर में समाज सेवा के रूप में एक नया कार्य करने का वे काम कर रही हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैम, सबसे पहले बस यही जानना चाहेंगे कि इंदौर के सनावदिया गांव में आप एक संस्था चलाती हैं, हजारों लोग उस संस्था से आज तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, किस तरह से संस्था कार्य करती है और क्या भूमिका इस संस्था की है? वास्तव में हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जिमी मगिलिगन, हम बर्ली ग्रामीण महिला विकास संस्थान में 26 साल तक सेवा दी हम लोगों ने, और हम लोगों ने सोचा कि अभी हम रिटायर होके एक गांव में रहेंगे क्योंकि संस्था आगे चलती रहनी चाहिए। तो 2010 में जैसे ही हमने ये निर्णय लिया, हम लोगों ने ऐसा सोचा कि गांव में जाके रहेंगे, क्योंकि हम लोग 26 साल से गांव में ही काम कर रहे थे, गांव के लोगों के साथ ही। हमें लगा गांव में रहकर गांव विकास का एक अपना जीवन ऐसा जिएंगे जिसको देख देख कर और अंतिम जो जीवन का हमारा भाग है वो सेवा में जाए। और मेरे हस्बैंड ने, ब्रिटिश नागरिक थे, उन्होंने वापस वहां जाना भी नहीं चाहा, मैं भी चंडीगढ़ से आई थी, दोनों ने वहां जाना नहीं चाहा, लेकिन ये भावना थी कि गांव में रहें। तो उन्होंने एक बहुत शिद्दत से वहां पर एक घर बनाया और गांव में, और आधा एक जमीन के ऊपर घर बनाया, और सबसे पहले उन्होंने एक सोलर विंड पावर स्टेशन बना के आसपास 50 आदिवासी परिवारों की एक बस्ती के लिए एक पावर स्टेशन बनाया। 19 स्ट्रीट लाइट्स वहाँ चलती हैं, वो दिल्ली कॉलेज का RSIS के साथ का एक प्रोजेक्ट था। वो घर बना लिया, बस हम लोग वहाँ थोड़े दिन में जाने वाले थे यहाँ से रिटायरमेंट के बाद, तो एक सड़क दुर्घटना हम दोनों के साथ हुई। एक कार में हम लोग जा रहे थे और जिमी बहुत ज्यादा, उनको चोटें आई और कुछ 17 दिन के बाद वो उनका निधन हो गया, और मैं बिल्कुल टूट गई। लेकिन मैंने
पहले से ऐसा सोच रखा था हम दोनों ने कि गांव में रहकर हम लोग अपनी सेवा देंगे। तो जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेरी सेवा का नाम है, ये कोई फंडेड एनजीओ नहीं है, इसका बाहर कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है। ये एक कृष्ण मल्होत्रा चैरिटीज एक संस्था जिसकी मैं ट्रस्टी थी और वाइस प्रेसिडेंट थी। मल्होत्रा जी भी अब दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है। उनकी बड़ी भावना थी कि अभी आप सेवा देंगी, आप गांव में एक कृष्ण मल्होत्रा ट्रस्ट के अंतर्गत एक सेंटर आप चलाना। तो उनकी भी भावना थी और जिमी के जाने के बाद मैंने अपनी सेवा का नाम जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया, जिसका कोई FCRA बाहर से, भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से या किसी व्यक्तिगत से कोई दान या डोनेशन या फंड मैं नहीं लेती हूँ। मेरे पास खुद भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन सेवा उनके नाम निमित्त है। 5 जून, अभी हम 10 जून को शिफ्ट हुए, 5 जून को ही पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम पहला वहां करके शुरू कर दिया काम। जाने से पहले वहां बिजली दे दी गांव के एक भाग को, तो सेवा का काम शुरू हो गया। पौधे लगाना, पेड़ लगाना, बच्चों को शिक्षित देना, वहां के जिस बस्ती को लाइट दी उनके बच्चे, जो मेरा परिवार जिनके साथ में रहती हूँ उनके दोनों बच्चों को ट्रेन किया। गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन मेरे घर पे देते हैं। फिर फंड इकट्ठे करके पंचायत से जगह लेके उसी बस्ती में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया, जिसमें अब आंगनवाड़ी चलती है, वो सरकारी प्रोग्राम है। मेरा पैसों का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ये सब मिलाकर करती हूँ। और उस काम के कारण धीरे धीरे हम लोगों ने वहां सोलर किचन बनाया, सोलर कुकर। जैसे जैसे मैं काम करने लगी, वापस बहुत सारी संस्थाएं मुझे बुलाने लगी, तो मेरे यहाँ 13 प्रकार के सोलर कुकर हैं, एक सोलर किचन है, लगभग इतना बड़ा है जितना बड़ा आपका ये स्टूडियो है, और उसमें डिश बाहर है, खाना अंदर बनता है। तो लोगों को ये सिखाना कि आप अगर सौर ऊर्जा जो डायरेक्ट सूर्य की है, पैनल से नहीं है, वो पीवीसी पैनल नहीं है उसमें, पीवी उसके फोटोवोल्टिक के, तो आप उससे जब खाना बनाएंगे तो आपकी ऊर्जा बचती है। मैं 300 दिन खाना सोलर से बनाती हूँ। मेरी 2 साल 4.5 महीने एक गैस सिलेंडर चलती है। वहां पर 65,000 स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, IIM, IIT, सारे शहर के किसानों के महिला ग्रुप, बहुत लोग सिस्टमैटिकली एक वर्कशॉप करते हैं, वहां का टूर करते हैं। वहां हमने आधा एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं, अपना उगा के खाते हैं। मेरे उपयोग के लिए बाजार से नमक, तेल, शक्कर, चाय पत्ती के अलावा बाजार से कुछ नहीं आता, सब अपना उगा के खाते हैं। एक गाय है, उसकी बछड़ी है, उसके 2 बछड़े बैल बना के आदिवासी एरिया में भेज दिए हैं, डोनेट कर दिए हैं। और एक जीवन जिसमें सहजीवन जीना, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, लोगों के साथ, एक सेवा का काम है जिसको लगातार पिछले 7 साल या 10 जून को हो जाएंगे, जो कंटिन्यूसली चल रहा है। उस काम के कारण मैं अभी टेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे ग्रीन हीरो का अवार्ड दिया। अभी सोलर कुकर इंटरनेशनल एक अमेरिका की संस्था है जो सोलर कुकिंग पे काम करती है पूरे विश्व में, तो उनकी मैं ग्लोबल एडवाइजर हूँ। उन्होंने भी ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस किया। मैं भारत सरकार के साथ, नीति आयोग को, मध्य प्रदेश सरकार को, सभी के साथ इन सभी मुद्दों के ऊपर अपनी निःशुल्क सेवा देती हूँ, अपने योगदान देती हूँ। और गांव में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान जब चलाया, मुझे कहा, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप अपना समय इस काम के लिए दें। मैं कर तो रही थी, लेकिन वो चिट्ठी उनकी व्यक्तिगत आई और उसमें उन्होंने विशेष उल्लेख किया कि आपने इतना सेवा की है। तो मैंने वो चिट्ठी अपने सरपंच के साथ शेयर की, पंचायत के साथ की, ग्राम सभा हुई, सारी पार्टियों के लोग मिलकर बैठे गांव के, और उनको वो चिट्ठी पढ़ के सुनाई। तो गांव के लोगों ने ये तय किया, युवाओं ने तय किया,
मेरे घर में एक वाईफाई कनेक्शन है, गांव में एक ही। उस कनेक्शन को सारे गांव के जितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, मेरा पासवर्ड है, तो उसके कारण सब बच्चों का आना जाना, बैठक और प्रेम मोहब्बत के लिए भी दीदी होने के नाते बैठते हैं, तो सबके सामने जब बात रखी, सबने उस बात को अपना लिया और गांव के लोगों ने तय किया कि अब हम आज से डिस्पोजेबल नहीं लाएंगे। तो पुराना दोना पत्तल ले आए और भंडारा करते हैं, शादी करते हैं। अभी गांव में 5,000 लोगों का ये होता है खाना और ये नहीं करते, प्लास्टिक और डिस्पोजेबल नहीं ला रहे और स्वच्छता पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। गांव में बच्चे ये भी सीख रहे हैं कि दारू नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना, चलते हुए मोबाइल पे बात नहीं करना, और थोड़ा चरित्र को लेके अभी बहुत सारे बलात्कार अपराध इन बातों के ऊपर भी बच्चों के साथ गांव में लड़के लड़कियां परिवारों के साथ ये भी बात होती। ऑर्गेनिक खेती को लेके काम करना शुरू किया जब मैंने 7 साल से, तो एक जैविक सेतु बनाया हमने, उसका भी मैंने साल भर मेरे प्रोग्राम होते हैं। फरवरी में ये होली के रंग बनाना शुरू हो जाते हैं, लोगों को सिखाती हूँ। फिर सोलर कुकिंग, मेरे पति की याद में सोलर सप्ताह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सप्ताह में आपको शरबत बनाना है, घर में जो भी चीज बनी है उसको कैसे उपयोग करना है, तो जिनको सिखाती हूँ उनकी वो चीजें वहां बिकती हैं। जैविक सेतु का नाम भी मैंने दिया, और केवल लोगों को कहा तो अमरीश केला एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत अच्छे पर्यावरण हितैषी हैं, उन्होंने मान लिया, तो जैविक सेतु शुरू हो गया। किसानों को एक जगह मिल गई, मेरे यहाँ कचरा नहीं है, मैंने 34 साल से कचरा बिन नहीं है, कचरे के बिना जीती हूँ और प्लास्टिक के बिना। ये मेरी बोतल है स्टील की, मेरा स्टील का ग्लास है, मैं बॉटल वाटर नहीं पीती हूँ, डिस्पोजेबल नहीं पीती हूँ, ये पेपर नैपकिन यूज नहीं करती हूँ। पेड़ लगाना मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, तो मुझे लगता है एक जीवन शैली जो सस्टेनेबल लाइफ की है, वो उसको देख तक कर भी लोग काफी, गांव में बच्चे युवा काफी सारे इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। जब हम आपके घर जाते हैं तो देखते हैं कि जब वहाँ सोलर कुकर लगे हुए हैं, जिस तरह से पीछे खेती होती है, ये तमाम सारी चीजें हैं जो हमें दिखाती है कि प्रकृति के आप कितने नजदीक हैं। लेकिन आमतौर पर देखने में आता है कि दूसरे लोगों में इस चीज का भाव थोड़ा कम हो रहा है, क्या मानती है इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है, दुनिया का भी एक ये ऐसी चाल हो गई है कि हम पाश्चात्य देशों का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। दूसरा, गांव में कोई ज्यादा रोजगार, गांव में लोगों को ज्यादा लगता नहीं कि गांव में अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है और अच्छी कमाई के साधन हो सकते हैं। शहरों पर इतना दबाव हो गया, लोग शहर में चले गए, शहर में जाके भी फंस गए, तो लोग एक तो मटेरियलिज्म है, भौतिक पैसे के पीछे मृग तृष्णा है, दूसरा आसान लाइफ हो गई है, डिस्पोजेबल लाइफ, सब चीज डिस्पोजेबल, बाकी ये अभी नकल ज्यादा हो गई है हर चीज में, असलियत कम हो रही है, रिश्ते कम हो रहे हैं। अभी ये मोबाइल फोन आया है तो ये इसने इंसान की अपने आप से ही दूरी इतनी बढ़ा दी है कि ऐसा लगता है कि फोन तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो इंसान सब प्रकृति की बात बाद में है, अपने माँ बाप के साथ कोई रहना नहीं चाहता, अपना ही साथ हमारे पास अपना ही अपने लिए वक्त नहीं है, आस पड़ोस में हम जाके नहीं देखते हैं। फिर भी इंदौर गांव में आसपास फिर भी कुछ पुरानी संस्कृति जो बची है उसको बचाने की, और मुझे लगता है कि लोग अभी इस तरफ धीरे धीरे ये प्रकृति का जो जलवायु का प्रभाव है इसके कारण लोग सुनना शुरू किए हैं। जैसे हमने जैविक सेतु शुरू किया तो लोग टेरेस गार्डनिंग अपने घर में, मेरे पास जो बच्चे सीख के गए हैं 65,000, उनके बहुत सारे बच्चों के परिवारों ने कुछ फूल लगाने शुरू कर दिए हैं, कुछ ये तय कर लिया है कि वो बाजार की चीजें नहीं खाएंगे, मैकडोनल्ड पे नहीं जाएंगे, पैक्ड चॉकलेट नहीं खाएंगे, देसी चीजें खाएंगे, तो कुछ कुछ असर हो रहा है। लेकिन ये एक बड़ा दुर्भाग्य है, पर वापस अपनी
हमारी संस्कृति पे हमें आना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश भी है जब लोग देख के विश्वास करते हैं, भेड़ चाल भी होती है लेकिन देख के विश्वास करते हैं। मैम, जिस तरह से सौर ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है, जमीन के तत्वों को समाहित करने के लिए जैविक खेती की ओर हम बढ़ रहे हैं, ऐसा ही एक विषय होता है जल संरक्षण। आज के दौर में इसकी जरूरत भी महसूस होती है और इंदौर जैसे शहर में मई के माह में, जून के माह में कहीं ना कहीं पानी की किल्लत का सामना हमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत अच्छा प्रकल्प हमारे दौर में बीते वर्ष हुआ था, आपने भी उसमें काम किया था, किस तरह की जरूरत महसूस होती है इस तरह के लिए और क्या जागरूकता लोगों में होना चाहिए? मुझे लग रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। हमने अपने खेत पे ही गांव के किसानों को बुला के, सरपंच को बुला के, पंचों को बुला के, आसपास के गांव के पंचों सरपंचों को बुला के, हम लोगों ने खुद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जो मेरे साथ लड़का और लड़की एक परिवार है जो ट्रेंड है, उन्होंने अपने हाथ से बनाया। और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो MGM में पढ़ रहे हैं, यहाँ एक डॉक्टर परमेंद्र ठाकुर है, उनके साथ स्टूडेंट्स फिजिकली उन्होंने बोल्डर डाल के, पत्थर डाल के, वो पूरा गड्ढा कैसे बनाना है, कैसे करना है, हम बताते चले गए और वो करते चले गए। उससे हमारा पानी नीचे जमीन में, हम जमीन में वापस पानी डालेंगे तो रिचार्जिंग होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है और मुझे लगता है कि हर जगह ये होनी चाहिए, हर घर के लोगों को, यहाँ जो टाउनशिप हैं बड़ी बड़ी, शहर में भी और गांव में भी करनी पड़ेगी हमें, ये बहुत जरूरी है। मैम, पूरे देश में आज एक स्वच्छता का, साथ ही साथ जो चीजें हैं उन्हें वापस से रीयूज करने का, उन्हें रिन्यूएबल करने का एक कंसेप्ट चल रहा है, 3R कंसेप्ट पूरा देश काम कर रहा है। इंदौर में बहुत बड़ी समिट बीते दिनों यहाँ हुई है, क्या लगता है बदलाव की शुरुआत हुई है, लेकिन बदलाव कब तक आ सकेगा समाज में? देखिए ऐसा है, अभी 3R वाली कॉन्फ्रेंस में मैं भी थी और उसका एक सबसे छोटा एग्जाम्पल ये है, ये एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसके लिए मुझे जुलाई में यूनाइटेड नेशंस बुलाया गया था, मैं वहाँ इंडिया की वो करने गई थी प्रतिनिधि के रूप में, और सोलर कुकर इंटरनेशनल की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर ये तय हुआ है कि हमें 20-30 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें जैसे गरीबी खत्म करनी है, भूख खत्म करनी है, क्लीन ऊर्जा चाहिए, स्वच्छता चाहिए, ऊर्जा साफ हो, शहर साफ हो, पानी साफ हो, नदियां साफ हो, समुद्र साफ हो, और एक जिम्मेवार उपभोगकर्ता बनाने, कंज्यूमर और प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बने, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस टाइम हमें पता चले कि हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और महिलाओं को बराबरी से, उनको सब चीज में भागीदारी बने, क्योंकि पर्यावरण में अभी चूल्हा से इस देश में आज भी सबसे ज्यादा घरेलू प्रदूषण की शिकार महिलाएं हैं। मेरे पति और मैं ये कहते हैं कि धुएं में खाना बनाना महिलाओं के ऊपर हिंसा है, तो उनको धुएं में खाना बनाना पड़ता है। तो ये 3R की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट, उसमें एक UNEP के इंडिया के हेड अतुल बघेल आए थे, वो मेरे यहाँ भी एक दिन की मीटिंग उन्होंने सोलर कुकर्स के ऊपर मेरे साथ करी, एक और भी आए थे त्रिपाठी जी, तो उनके साथ मेरे सामने बैठ के उन्होंने ऑर्डर निकाला, यहाँ के कलेक्टर को मेरे सामने फोन किया कि IPL जो अब मैच होगा ये प्लास्टिक फ्री होना चाहिए। तो IPL का मैच पहली बार एक ऑर्डर दिल्ली से आया और हमारे कलेक्टर ने भी कोशिश की, और स्वच्छता अभियान भी बहुत करोड़ों रुपए लगे, उसमें सब कमियां हैं, लेकिन फिर भी एक इंडिया में, एक इंदौर ने एग्जाम्पल दी है स्वच्छता अभियान को लेके। तो लोग जगे तो हैं, पर अभी चौकीदार वाला काम हम लोगों का है, आपका भी काम है, मीडिया का भी काम है कि जगे हैं तो अब जगते रहे, फिर सोए नहीं, और झपकी लेने से एक्सीडेंट हो जाता है जिंदगी में, तो ये झपकी भी नहीं लेने देना, ये हमारा काम है और आपका काम है मीडिया का। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत पावरफुल है, बड़ी पहुंच है जितनी भी लोग, और कई बार लोग
बात पढ़ के इतनी समझते हैं, पर कई बार देखकर लोगों को बात सुनकर विश्वास होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है। इसका ये कोई टाइम ऐसा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि एक व्यक्तिगत तौर पर प्रयास होता है इंसान का, एक सामूहिक है, कम्युनिटी का है, कंट्री का है, देश का है। अभी जब हमारा पाउच में शैम्पू पैक हो रहा है, एक रुपए का कॉफी का पैक है, एक रुपए का हमारा गुटके का पैक है, विमल गुटका, हर चीज में एडवर्टाइजमेंट लग रही है, हमारी पॉपकॉर्न, हमारे नमकीन, हमारी हल्दी, हमारा हर चीज उसमें पैकेज है। तो एक कुरकुरे का पैकेट जो 5 रुपए का आता है उसको खत्म 60 रुपए में भी नहीं किया जा सकता, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अभी सैनिटरी पैड्स की बात कर रहे हैं, सैनिटरी पैड्स माया जो सबसे बड़ा उसने यहाँ पैड वुमेन करके आई थी, उससे मेरी पर्सनल इंटरव्यू उसने बताया बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो हम क्यों कचरा बढ़ा रहे हैं? तो प्लास्टिक से कचरा गाय खा रही है, गाय को नुकसान हो रहा है, जलवायु से गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, तो ये एक सामूहिक प्रयास करते रहना पड़ेगा। मैं स्कूल में बोल रही हूँ, कॉलेज में बोल रही हूँ, माँ बाप से बोल रही हूँ, संगीत वालों से बोल रही हूँ, कला वालों से बोल रही हूँ, खिलाड़ियों से बोल रही हूँ, फ्लैक्स के बैनर ना लगे। बिल्कुल सही है। मिस्ड कॉल देने से नदियां साफ नहीं हो जाएंगी, किशोर गुडवानी जैसे लोग चाहिए जो सुबह से लेकर रात तक खड़े होके उसको साफ करवाएं। तो जन भागीदारी है, लेकिन हम सबका काम है, हम मिलकर करेंगे। और ये एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि कोई कैप्सूल है, कोई बॉटल चढ़ा देंगे अपना रिहाइड्रेट करने के लिए, एक प्रक्रिया है वो। लेकिन लोग समझ रहे हैं, एक्शन में आने की जरूरत है। लोग मान तो रहे हैं लेकिन समझने की जरूरत है, वो जीवन शैली बदलना होगी। और हमें ये समझना होगा कि ईश्वर को जवाब देना है और प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, हमें प्रकृति की जरूरत है। देश का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार आपको हासिल है, ऐसे में अब इस संस्था को और कहां तक ले जाने की जरूरत है, और किस तरह से हम आप जो सिपाही तैयार कर रही हैं समाज में पर्यावरण को जागरूकता के लिए, वो अपने काम को कहां तक आगे बढ़ाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पुरस्कृत होके कुछ काम करने के लिए काम कर रही हूँ। मुझे पुरस्कार की कोई आशा या अभिलाषा न थी न है, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, विनम्रता से अपने आप को बहुत सम्मानित विनम्र समझती हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैं जैसी पहले थी वैसी अब हूँ, लेकिन समाज की अपेक्षाएं मेरे से बढ़ गई हैं। और मेरा अब कोई उद्देश्य, मेरी संस्था से 2011 में रिटायर होने के बाद मैंने और मेरे पति ने यह तय किया कि हम अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे। मेरे पति और मैं दोनों फुल टाइम सेवक थे, हमारी सैलरीज इतनी नहीं थी कि हम बहुत बड़ी बचत करके अपना जीवन बाकी काट लेंगे, हमारी पेंशन नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है इनकम का। लेकिन मैं थोड़े में गुजारा करके भी मैं बिना किसी से पैसे लेके 24 घंटे मेरा दरवाजा खुला है, और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, कैंसर की सर्जरीज के बाद, एक्सीडेंट के बाद, मेरे हस्बैंड चले गए अकेले रहने के बाद, क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गई है कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन हमें जीना कैसे है, वो बात पर मैं स्थिर हूँ। क्योंकि ईश्वर ने मुझे इतनी बार जन्म दिया है एक जन्म में, और बार बार बचाया है, बाल बाल भी बचाया है, और उसका केवल एक ही उद्देश्य है मेरा, ईश्वर को धन्यवाद देना कि उसने मुझे इंसान और एक औरत का जन्म दिया है जो जो एक धर्म निभाती है, एक मातृत्व का धर्म है, एक शिक्षक का धर्म है, एक सामाजिक प्राणी का। औरत समाज की बरली है जिस पर समाज टिका रहता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मुझे बहुत लोगों ने सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, और सबके साथ मिलकर बहुत काम हो रहा है। और जब तक रहूंगी, जब तक कर पाऊंगी, सबको साथ में लेके, लेकिन अब मैं अपने ऊपर कुछ नहीं ले रही हूँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रही हूँ, कोई फंडिंग नहीं, पर अलग अलग युवाओं को
ज्यादा से ज्यादा मेंटरिंग करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, इंटर्नशिप का काम, उनको प्लेसमेंट का काम वो आगे तैयार और हो रहे हैं। काफी काफी युवा इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत आशावादी हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, क्योंकि मैंने संस्था छोड़ी 26 साल के बाद, वो संस्था चल रही है बहुत अच्छी, सोच बूझ के छोड़ी, जान बूझ के छोड़ी, समझ के छोड़ी कि आगे चलती रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि इंसानों को तैयार करना, अपना पकड़ के नहीं रखना, और थोड़ा पीछे खड़े हो जाना, लोगों को आगे आगे की लाइन में और खड़े करना है, और चार कदम पीछे होना है, आगे बैकअप की तरह से काम करना है। मैम, जो टैलेंटेड इंडिया हमारा पोर्टल है, ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से देश के लाखों युवा आप जैसी शख्सियतों से रूबरू होते हैं और कुछ अच्छी चीजें उन्हें जानने का मौका मिलता है। देश के युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? मुझे लगता है कि देश के युवा ही देश का भविष्य है। वो सबसे पहले तो जो भारत की हमारी मूल संस्कृति है, जिसमें इंसान, हम ये सोचते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है, हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे युवा सबसे पहले नेक बने, अच्छे इंसान बने, जिसमें ये अभी बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, अभी बेटे भी बचाने पड़ेंगे, ये बलात्कार नहीं हो, किसी का अपराध नहीं हो, ये दारू पी के घूमना, ये महिलाओं की चेन छीन लेना, चलते चलते फोन पे बात करना और लापरवाही से रहना, अभी मेहनत नहीं करना चाहते, मजदूरी नहीं करना चाहते, अपनी जमीन पे काम नहीं करना चाहते, सॉफ्ट नौकरियां ढूंढ रहे हैं, पूरा टाइम नौकरी कैसे भी ले लेना है, और एक फॉरेन जाने की ललक बहुत है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ये युवाओं को सोचना चाहिए कि उनको उनके माँ बाप ने केवल इसलिए पैदा किया है, इसलिए बड़ा किया है कि वो माता पिता को जब छोड़ के और अमेरिका के नौकर बनेंगे, यूरोप के नौकर बनेंगे, जब माँ बाप को बच्चे चाहिए, उनका एक अपना धर्म है कि अपना जीवन अच्छा बनाए, फिर अपना परिवार का प्रति अपनी जिम्मेवारी समझे, देश के अच्छे नागरिक बने। भारत माँ की सेवा कौन करेगा? और मैं युवाओं को यही कहती हूँ कि भारत देश आप हैं, हम हैं, कोई और आके भारत देश नहीं चलाएगा, और जितने अच्छे युवा होंगे उतना अच्छा भारत देश होगा। तो ये थी समाज सेविका पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा जी, और जिन्होंने बात करी प्रकृति के बारे में, जिन्होंने बात की प्रकृति को उसकी धरोहर को लौटाने के बारे में, क्योंकि आज यदि हम संरक्षित है, यदि हमारी प्रकृति संरक्षित है, तो निश्चित रूप से देश का भविष्य भी संरक्षित होगा। बहरहाल, द टैलेंटेड इंडिया टॉक शो में इतना ही, अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।